बुद्धमय भारत मिशन को कैसे पूरा किया जा सकता है, इस मामले में आपका सलाह और सुझाव चाहिए। वीडियो स्टार्ट होते ही मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी बौद्ध मित्र हैं या जो भी बुद्ध धर्म से प्रेम करते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं या बुद्धमय भारत मिशन को पूरा करवाना चाहते हैं, उनसे निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मित्र बुद्ध धर्म से प्रेम नहीं करते हैं, बुद्ध से प्रेम नहीं करते हैं और गलती से ये वीडियो क्लिक कर दिए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज निवेदन है वीडियो अभी के अभी स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आपके किसी काम का ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो चाहते हैं कि भारत पुनः फिर से बुद्धमय बने, भारत फिर से वही प्राचीन काल में जो बुद्धमय भारत सम्राट अशोक का, अखंड भारत सम्राट अशोक का, वह सोने की चिड़िया वाला भारत सम्राट अशोक का, भगवान बुद्ध का, वह विश्वगुरु भारत फिर से बने, वो लोग इस वीडियो पर अंत तक रुके रहें। मेरे मित्रों, अपने देश भारत में सैकड़ों बौद्ध संगठन हैं, लेकिन बुद्धमय भारत मिशन को रफ्तार नहीं मिल पा रही है या बुद्धमय भारत मिशन पूरा नहीं हो पा रहा है। इस मामले में आपका सलाह और सुझाव चाहिए तमाम उन बौद्धिक संगठनों के लिए कि कौन सी ऐसी कमी रह जा रही है और क्या ऐसा छूट जा रहा है जिसके वजह से बुद्धमय भारत मिशन को रफ्तार नहीं मिल पा रही है या वह समय नहीं आ पा रहा है। मेरे मित्रों, आपका सलाह और सुझाव बहुत जरूरी है। सलाह और सुझाव आपको इस तरीके से देना है कि आप सलाह और सुझाव देंगे और वह सिर्फ प्राइवेट तरीके से हम तक आएगा और हम उसको बाकी सभी संगठनों के साथ इंप्लीमेंट कर देंगे, बैठ के बात कर लेंगे। आपको जाना है namobuddhaay.com पर, namobuddhaay.com पर सलाह देने के लिए ऑप्शन लगा हुआ है। आप क्लिक करिएगा सलाह देने वाले ऑप्शन को और उसमें एक फॉर्म होगा, उसको फिलअप करिएगा। सलाह के कॉलम में जो लिखा होगा पूरा सलाह उसमें लिख दीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने अपील किया था कि देश में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि वह बुद्ध या बौद्ध रीत से कोई भी संस्कार करवाना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई भी बौद्ध रीत से संस्कार करवाने वाले बौद्धाचार्य नहीं मिल पा रहे हैं। तो मिल कैसे पाएंगे? पूरे देश में बैठे बैठे आप अपने घर से ही कैसे जान सकते हैं कि आपके एरिया में, आपके जिले में कौन से बौद्धाचार्य हैं? इसके लिए मैंने कहा था कि जितने भी बौद्धाचार्य लोग हैं वो सब लोग हमें यानी राष्ट्र रक्षा संघ को अपना डिटेल भेज दें। वह उनका डिटेल, उनका नाम, उनका जिला, उनका फोन नंबर namobuddhaay.com पर लगा दिया जाएगा और देश में जो लोग संस्कार करवाना चाहते हैं वह लोग आपसे संपर्क कर लेंगे। कल ही ये वीडियो डाला गया था, बहुत सारे बौद्धाचार्यों ने संपर्क किया, सैकड़ों बौद्धाचार्यों ने पूरे देश से, और कल ही इंप्लीमेंट करके सबका डेटा namobuddhaay.com पर लगा दिया गया है। देश के किसी भी कोने से अगर किसी को बुद्ध रीति से कोई भी संस्कार करवाना है तो अगर बौद्धाचार्य नहीं मिल पा रहे हैं तो आप namobuddhaay.com पर जाइएगा, वहां ऑप्शन लगा हुआ है उसको क्लिक करिएगा और प्रदेश वाइज आपको किस जिले में कौन कौन से बौद्धाचार्य हैं आपको फोन नंबर मिल जाएगा। आप उनको कॉल करिए, संपर्क करिए और अपने यहां बुलाकर संस्कार करवा लीजिए। बुद्ध धम्म और बौद्धिस्टों के विकास के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, namobuddhaay.com। इस वेबसाइट पर बुद्ध धम्म से संबंधित आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट के जरिए आप राष्ट्र रक्षा संघ की सदस्यता भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए आप व्यापार में अगर कुछ आगे करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो भी जो सिहोक बौद्ध आर्थिक मिशन है उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है namobuddhaay.com में जो बौद्धों की उन्नति के लिए और विकास के लिए जरूरी है, वो सब धीरे धीरे ला दी गई है और भी अपडेट लगातार हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। और क्या होना चाहिए यह आप भी सलाह और सुझाव दे सकते हैं। वेबसाइट में क्या होना चाहिए?
संगठन को और क्या करना चाहिए, किस दिशा में क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आपका सलाह हमें जरूर चाहिए। तो सलाह जरूर आप दीजिए, उसका भी ऑप्शन लगा हुआ है वेबसाइट में, आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा और आप लिख दीजिएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो डेटा सिर्फ आप लिखेंगे और हमारे तक आएगा, सिर्फ हम देख सकते हैं यानी मैं देख सकता हूं, पब्लिकली वो डेटा नहीं जाने वाला है। तो आपके जहन में जो भी हो बुद्ध धम्म के डेवलपमेंट के लिए आप जरूर लिखें। namobuddhaay.com इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ऐप की तरह कैसे इस्तेमाल करें कि बार बार आपको एड्रेस डालने का झंझट नहीं पड़ेगा, आप एक बार उसको ऐप बना लीजिए, बिल्कुल आसान है। कैसे करना है वह आपके स्क्रीन पर मैं चला देता हूं, आप देख लीजिए कि कैसे namobuddhaay.com को बिना एक भी केवी खर्चा किए, एक भी केवी यह ऐप या वेबसाइट नहीं लेगा, सिर्फ ये लिंक जनरेट हो जाता है आपके मोबाइल पे, एक ऐप जैसा प्रतीक चिन्ह बन जाता है, वन टच, एक बार टच करेंगे और यह वेबसाइट खुल जाएगी। तो यह आपके लिए काफी आसान रहेगा, कैसे करना है आपके स्क्रीन पर मैं चला देता हूं। आप गूगल पे या किसी भी जगह पे ऐसे आपको लिखना है जैसे यहां लिख रहे हैं, गूगल पे लिख लीजिएगा या फिर और भी कहीं पे namobuddhaay.com, यहां ऊपर देखिए namobuddhaay.com और इसको सर्च कर दीजिएगा। जब सर्च करेंगे तो ये इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ये जब ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर कोने पर देखिए, राइट साइड सबसे ऊपर यहाँ पर इस तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे, इस तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर लिखा है कॉपी व्यू फाइंड ऐड टू होम स्क्रीन। ये जो ऐड टू होम स्क्रीन लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा और आप इसको ऐड पर क्लिक कर देंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। ऐड पर जब क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करके ये जो आप वेबसाइट खोले हुए हैं इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए, आप इसको बंद कर लीजिए। जब इसको बंद कर लेंगे और आप अपने मोबाइल के लास्ट स्क्रीन पे चले जाइएगा, लास्ट स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर namobuddhaay.com का जो लॉगिन लिंक है ये ऐप बन के आ गया है। बस इसको जब चाहिए आप क्लिक करिए और डायरेक्ट वेबसाइट खुल जाएगा। जैसे हमने क्लिक किया खुल गया, अब इसको बैक कर दीजिए। अब चाहे तो अब आप फिर इसको जब चाहिए तब क्लिक करिए, एक क्लिक पर वेबसाइट खुल जाएगी और आपको सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।